साल 2005 से 2007 के बीच गोताखोरों को पानी के अंदर डूबी हुई नगरी मिली थी, जो कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी, जिस द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी नगरी जल में समा गई? जिस साम्राज्य के कभी भगवान कृष्ण स्वामी हुआ करते थे, आज वह कहां गया? वहां क्या घटनाएं घटी जिसकी वजह से इतनी बड़ी नगरी पानी में डूब गई? तो चलिए फिर इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण द्वारका क्यों गए थे। दरअसल कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो मगधाधिपति जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। जैसे उसे मौका मिलता था, वह बार बार मथुरा और यादवों पर आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे और आखिर में यादवों और बाकी मथुरावासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। फिर विनता के पुत्र गरुड़ की सलाह और कुकुम्बी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगरी कुशस्थली के रूप में पहले से ही मौजूद थी। भगवान कृष्ण ने इसे उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया था। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्र और वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुवंशों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के परपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारिका पानी में डूब गई। उसके पीछे दो श्राप को कारण बताया जाता है। सबसे पहला जो श्राप गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया था और दूसरा श्राप जो कि उनके वंश को दिया गया था ऋषि द्वारा। और पहले श्राप की बात करें तो महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया और राज्य में जुड़े नियम कानून उन्हें समझा करके कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कहना के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोध होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके स्वपुत्रों को मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बस श्री कृष्ण का ही था। और इस श्राप को श्री कृष्ण ने खुद खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्हें भी पता था अगर वह गांधारी के पास जाएंगे तो उन्हें वह श्राप अवश्य देगी। उसके बाद भी वो वहां पर गए थे और श्राप में उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। और ऐसे उन्हें और उनके कुल को पहला श्राप लगा। इसके बाद दूसरा श्राप ऋषि द्वारा कृष्ण और उनके पूरे कुल को दिया गया था और ये सब उनके पुत्रों की गलती से हुआ था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए किसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम जैसे दुष्ट असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सामने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा अग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया ताकि इसका इस्तेमाल कोई न कर सके और होनी को टालने की कोशिश की जा सके। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। और उस वक्त यादव में काफी ज्यादा गुरूर आ गया था जिस वजह से मदिरा उनके सीधा दिमाग पर काबू कर लेती और ऐसे में उससे क्या पाप होते ये कोई नहीं जानता। और यादवों को मदिरा पीना बेहद ही पसंद था, यानी ये सब धीरे धीरे
अधर्मी बनते जा रहे थे। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के बाद द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। यहाँ पर एक कहानी के मुताबिक चूहों की आबादी भी काफी बढ़ गई थी, जिससे अनाज भी बिगड़ रहा था, उन लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण समझ गए थे कि गांधारी का श्राप अब सच होने का समय आ रहा है। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सामने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एर का घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एर का घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। और ये कोई ऐसी वैसी मूसल नहीं थी, ये ऐसी मूसल थी जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एर का घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहां अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे, वो समाधि लेने की तैयारी में थे। कान्हा के पहुंचते उनके शरीर से शेषनाग निकले और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो वैकुंठ धाम पहुंचे और इस तरीके से बलराम जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए और कुछ कहानी के अनुसार वो समाधि लेने के ध्यान में बैठे थे और अपने देह को त्यागने वाले ही थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रही। पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया था। उसके बाद इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चल पड़ा। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दी। एक समय था जब लोग कहते थे द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एस आर राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ में उन्होंने वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले और 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के ये बर्तन हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। इस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले, जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में छोटे कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।